नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट्स के ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिस अटेंडेंट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2020 के बारे में, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप 10वीं पास हैं तो ये फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे 24 फरवरी 2021 से लेकर 15 मार्च 2021 इसके ऑनलाइन अप्लीकेशन को फिल करने के लिए डेट दिया गया, और जो पेमेंट आप देंगे इसी डेट के बीच में देंगे, 24 फरवरी 2021 से 15 मार्च 2021 के बीच में। और ऑनलाइन जो एग्ज़ाम डेट यहाँ दिया गया है 9 अप्रैल 10, दो दिन आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाया जाएगा। मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बच्चे फाइट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ एज लिमिट कम होता है, क्वालिफिकेशन कम होता है, तो ये उन बच्चों के लिए बहुत आसान लेवल हो सकता है अगर अच्छे से तैयारी करते हैं जो बच्चे 10 पास है। अब देखिएगा यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफिस असिस्टेंस ऑफिस अटेंडेंट आरबीआई के लिए निकला हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म का लिंक मैं दे दूंगा। पहले वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए 454 वैकेंसी है, ओवरऑल 841 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 76 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 211 वैकेंसी है, एसटी के लिए देखिएगा 75 वैकेंसी है, और एससी के लिए 25 रिजर्वेशन में कोटा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन के लिए भी अच्छा मौका है, 168 वैकेंसी है यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए, और जो एक्स सर्विसमैन टाइप 1 में आते हैं उनके लिए 38 वैकेंसी है, ठीक है। कैटेगरी 4 कुछ होता है देख लीजिएगा, इसमें 8 वैकेंसी है, और पीडब्ल्यूडी में देख लीजिएगा 8, 9, 9 वैकेंसी है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे अगर हम देखें कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं यहाँ नीचे, ठीक है। क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया कि 10वीं पास होना चाहिए, अगर आप 10वीं पास है, आपकी एज 18 साल हो चुकी है, तो आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये अच्छा एग्ज़ाम है, आरबीआई में जाने का आपके पास अच्छा मौका है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ है, तो एज जो कैलकुलेट किया जाएगा 1/2/2021 से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा, और आपका एज 18 से 25 होना चाहिए, क्योंकि एज लिमिट इसलिए 18 से 25 है क्योंकि 10वीं पास पे इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2/2/1996 के बाद का है वही अप्लाई कर सकते हैं, और कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ है इससे पहले का नहीं होना चाहिए, मतलब 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए, 2003 के पहले का होना चाहिए, ठीक है ना, 1996 के बाद का, 2003 से पहले का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे रिलैक्सेशन 5 साल का मिलेगा ओबीसी को, नहीं 3 साल का ओबीसी, एससी को, ओबीसी को 3 साल का मिलेगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे क्राइटेरिया, कास्ट क्राइटेरिया, तो ये सब आप लोगों को पता है, इसको हटा देते हैं। और कुछ इसमें तो एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न में रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर, मैं जी इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 नंबर, जीए 30 क्वेश्चन 30 नंबर, और न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछेगा, मतलब मैथ्स आसान है, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स आसान होता है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर, टोटल आपको 120 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैक्सिमम मार्क्स 120 होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब होता है उसमें कुछ भी एडवांस नहीं होगा, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, ऑनलाइन टेस्ट केवल इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होगा, एक क्वेश्चन रॉन्ग बनाने के आपको 1/4 नेगेटिव मार्क काटे जाएंगे, और जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करते हैं वहाँ का लोग जो लैंग्वेज टेस्ट होगा वो ऑफिशियल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, और इसको चेक करने के लिए एक लैंग्वेज टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, ठीक है, अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हैं तो। हर सेक्शन में पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स भी चाहिए, सेक्शनल कटअप जाएगा, मतलब मैथ्स में पास होने के लिए कुछ नंबर फिक्स किए जाएंगे, उससे ज़्यादा ही आपको नंबर लाना होगा, हर सेक्शन का कटअप जाएगा यहाँ पे, ओवरऑल कटअप तो जाएगा ही, हर सेक्शन का भी कटअप जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट मैंने बता दिया कि 8 या 9 अप्रैल को होगा, यानी 8 या 9 शुरुआत में ही मैंने बताया था, वीडियो के शुरुआत में आप देख लीजिएगा। और जो लैंग्वेज टेस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि अप्रैल मई 2021 में होगा आपका लैंग्वेज टेस्ट, तो बहुत जल्दी इसका ज्वाइनिंग मिल जाएगा, 2 से 3 महीने में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका जॉब हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, तो बहुत फास्ट काम होगा यहाँ पे। यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में बायोमेट्रिक होगा, कैप्चे बायोमेट्रिक होगा, और अदर मेथड का भी यूज किया जाएगा। प्री एग्जाम ट्रेनिंग का भी फैसिलिटी यहाँ दिया गया, एग्जाम सेंटर आप देख सकते हैं, एग्जाम सेंटर यहाँ लिखा हुआ है, ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। टेस्ट सेंटर के बारे में बताया गया है कि टेस्ट सेंटर जहाँ से अप्लाई करेंगे उसी स्टेट में आपको टेस्ट सेंटर दिया जाएगा। पे स्केल यहाँ देखिएगा, पे स्केल यहाँ 10,940 पर मंथ है, पे स्केल है, इससे ज़्यादा आपको मिलेगा, 23,700 के आसपास मिलेगा,
बाकी सब लेके, जैसे हाउस रेंट हो गया, तो बाकी सब लेके आपको 23,700 तक मिलेगा, ठीक है। आगे आगे अगर हम बात करें हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, तो लिंक अभी मैं दे दूंगा इसी वीडियो में, बता दूंगा आपको जो भी इंपॉर्टेंट लिंक होगा उसको मैं दे दूंगा। अप्लीकेशन फ़ी आप लोगों को पता है, अप्लीकेशन फ़ी यहाँ 450 रुपये और 50 रुपये है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जनरल रूल इंस्ट्रक्शन, ये पता ही है आप लोग को, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है रूल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ बोला गया कि जिस स्टेट से आप अप्लाई कीजिएगा उसी स्टेट में आपका सेंटर होगा। कैंडिडेट अगर अगर एग्ज़ाम में लेट रिपोर्ट करते तो उनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें और कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 जनवरी 2021 का के बाद का होना चाहिए, या तो इस डेट का होना चाहिए या इस डेट के बाद का होना चाहिए। तो ओबीसी का सर्टिफिकेट नया होना चाहिए, तो अभी चाहे तो आप ओबीसी सर्टिफिकेट बना सकते हैं या एग्ज़ाम देने के बाद भी बना सकते हैं। एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके पास कोई भी ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, ठीक है। बायोमेट्रिक लिया जाएगा तो वही कैंडिडेट पहुँचे जिनका एग्ज़ाम है। रजिस्ट्रेशन नंबर रिसीव है ऑन दी, जब रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रिसीव हो जाएगा और पासवर्ड भी एक मिल जाएगा जब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। तो रोल नंबर आपको कैंडिडेट के कॉल लेटर में देखने को मिलेगा। कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो भी करना है आप लोग को एग्ज़ाम देते समय, ठीक है। पार्ट टाइम एम्प्लॉई ऑफ बैंक विल नॉट ट्रीटेड एज स्टाफ कैंडिडेट, ठीक है, तो उनको स्टाफ कैंडिडेट में नहीं माना जाएगा। चलिए तो फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। फ़ोटो का साइज़ 10 KB से 50 KB होना चाहिए, ये भी हो गया। और डिक्लेरेशन शायद मांगा होगा आपसे, पेमेंट फिलोर पैसा आपका वापस लौट जाएगा तो फिर से पेमेंट आप कीजिएगा। और फ़ोटो का साइज़ मैंने बता दिया 20 से 50 KB होना चाहिए, और सिग्नेचर होना चाहिए 10 से 20 KB होना चाहिए, और यहाँ पे और शायद कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। फ़ोटो सिग्नेचर ही केवल आपको अपलोड करना है। लैंग्वेज आपको, लैंग्वेज टेस्ट जो होगा गुजराती हिंदी, अलग अलग स्टेट का अलग अलग लैंग्वेज लिखा हुआ है। देखिए जैसे देखिए अहमदाबाद गुजरात है, बैंगलोर कन्नड़ है, भोपाल हिंदी है, भुवनेश्वर उड़िया है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा पंजाब है, चंडीगढ़ पंजाबी हिंदी हो गया, तमिलनाडु चेन्नई हो गया, गुवाहाटी में देख लीजिएगा कौन सा भाषा है, हिंदी कहाँ पर हिंदी देखिएगा, नागपुर में भी हिंदी, मराठी हिंदी हो गया, न्यू दिल्ली में तो हिंदी होता ही है, पटना में हिंदी मैथिली हो जाएगा, और जम्मू में हिंदी होगा, जयपुर में हिंदी होगा, ठीक है। तो हिंदी वाले स्टेट बहुत कम है यहाँ पर, तो लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे, और इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा आप लोगों को तो कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, लिंक आपको टेलीग्राम पर भी मैं दे दूँगा और YouTube पे भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके अप्लाई कर लीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।